Good morning, students. Today we'll start with the chapter number 14, perfect tense. अब तक हमने the tense सीखा, simple present tense सीखा, simple tense सीखा, continuous tense सीखा. वैसे ही आज हम सीखेंगे perfect tense. अब perfect tense में भी जैसे मैंने आपको टेंसेस के चैप्टर्स में बताया था दैट वी हैव अ थ्री कैटेगरीज दैट इज पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर. सो इन परफेक्ट टेंस आल्सो वी हैव अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वी हैव अ पास्ट परफेक्ट टेंस, वी आल्सो हैव अ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ओके, so in this chapter we are in this chapter you will read about the present perfect tense, the past perfect tense and the future perfect tense. मैंने आपको यही बताया कि हम इस चैप्टर में ये तीन चीज पढ़ेंगे, जानेंगे कि क्या होता है. अब ये मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपको इसके पहले के सारे चैप्टर्स क्लियर हो चुके हैं, क्योंकि मैंने जब भी बार बार आपसे कहा है कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बताइए, बट मेरे पास कोई क्वेरीज या कोई क्वेश्चंस या कोई डाउट्स लेके अभी तक ना कोई कॉल है ना मैसेज है. So I think that each and every student is now clear that about the past all chapters. Okay, so let's begin. अब आप देखेंगे कि पेंसिल से मैंने यहाँ पे टॉप पे कुछ लिखा हुआ है. परफेक्ट टेंस में हमेशा सिंगुलर है, प्लूरल है, आई है या यू है. ओके, जब हम प्रेजेंट में रहते हैं तब हम हैज या हैव का इस्तेमाल करते हैं. किस चीज का? हैज या हैव. लेकिन जब हम पास्ट की बात करते हैं तब हम हैड का इस्तेमाल करते हैं. ओके, मीन्स वो ऑलरेडी क्रिया हो चुकी है पास्ट में, इसके लिए हम हेड का इस्तेमाल करते हैं, एच ए डी हेड. और अगर हमें प्रेजेंट में बात करना है तो हम हैज या हैव का इस्तेमाल करते परफेक्ट टेंस में. और फ्यूचर टेंस में होता है विल, शेल, विल या तो शेल. ओके, सो लेट्स बिगिन. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड फॉर an action that started in the past and continue in the present. Means action जो start हुई है वो past में हुई है लेकिन वो अभी भी continue है. I have lived in Kolkata since 1991. So perfect tense means a perfection. Okay, perfect information. Okay, so मैं कोलकाता तो आया था 1991 में, मतलब वो आज है नहीं, वो 1991 में कोलकाता है लेकिन वो अब तक कोलकाता में रह रहे हैं. वो अब तक कोलकाता में रहते हैं, इसके लिए कहा जाएगा कि एक्शन टुक प्लेस इन पास्ट बट इट इज स्टिल कंटिन्यू इन द प्रेजेंट एंड इट मे कंटिन्यू इन फ्यूचर एज वेल. सो ये अभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, तो उस केस में हम परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. हाँ, नाउ द कैमरा इज क्लीन. अ रिपीटेड एक्शन बिटवीन द पास्ट एंड नाउ. पहला केस क्या था हमारा? हमारा पहला केस ये था कि पास्ट में एक्शन स्टार्ट हो चुकी है बट वो प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है.
मीन्स वो प्रेजेंट में कंप्लीट नहीं हुई है, वो प्रेजेंट में कंटिन्यू है, तो उस केस को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो सेंटेंस आता है। वैसे ही हमारा सेकेंड सेंटेंस क्या है, अ रिपीट एक्शन बिटवीन द पास्ट एंड नाउ, मतलब एक्शन जो अभी रिपीट हुई है, मीन्स एक्शन जो पास्ट में भी हो रही है और प्रेजेंट में भी रिपीट हो रही है। आई हैव ट्रैवल्ड द ऑस्ट्रेलिया थ्राइस, मीन्स क्या है कि मैं ऑस्ट्रेलिया तीन बार जाके आया हूँ, मैं और ऑस्ट्रेलिया जो है वो तीन बार जा चुका हूँ और वो रिपीट होगा। ओके, पास्ट की क्रिया जो रिपीट होगी उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। थर्ड, एन एक्शन वेयर द टाइम इज नॉट इम्पॉर्टेंट, एन एक्शन वेयर द टाइम इज नॉट इम्पॉर्टेंट, कुछ एक्शंस जिसमें टाइम की इम्पॉर्टेंस नहीं है। टाइम की इम्पॉर्टेंस मतलब ये एक्शन, ये जो इवेंट है या ये जो क्रिया है वो एक घंटे में ख़त्म हो जाएगी, ये जो एक्शन है या ये जो क्रिया है वो दो दिन चलेगी, ऐसा कुछ पर्टिकुलर टाइम मेंशन नहीं होता है। आई हैव वॉच द साउंड ऑफ म्यूजिक सेवरल टाइम, मीन्स मैं ये मूवी इतनी बार देख चुका हूँ, मतलब यहाँ पे कोई पर्टिकुलर चीज़ें का नंबर्स का और टाइमिंग का काउंटिंग नहीं है, उस चीज़ को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। An action that has just been completed. The travelers has returned home. They are not returning now. Means action complete हो चुका है, means on the way. मतलब हम जब बोलते हैं ना कोई भी action या event जो है वो on the way है, उस चीज को हम present perfect tense बोलेंगे। The teacher has corrected all the notebook. The teacher does not have any notebook to correct. Okay. Form of a verb. The present perfect tense is formed with has or have and the past particular for the third person, third form of a verb. मीन्स थोड़ा कन्फ्यूजिंग है जो मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम हैव और हैज से देखते हैं। ओके, वो हम हैव और हैज से देखते हैं, उसे हम कैसे फॉर्म करते हैं, हम फॉर्म करते हैं हैव और हैज से और पास्ट पर्टिकुलर। ओके, पास्ट पर्टिकुलर और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब means has or have plus third form of a verb plus past particular। okay, इस form में आपका present perfect tense form होता है। clear, is this clear with you? Okay. Now, this is the exercise of present perfect tense. I'll keep this camera for 2 minutes. No doubt I'll share the photos also, but I'll keep the camera for 2 minutes so it will be very clear and very visible for you to understand. Okay, so with this one topic I'll end this video over here and
And in the second part, I'll explain past perfect tense and future perfect tense. Okay? So, if you have any doubt, please let me know. Now, I want to talk to you about the combo. The combo book which I have checked, you children's has done, all the children's, not I'll particular one, but all the children's has done maximum of mistake, and more than 50% children's has not completed the compo book. आधे से ज़्यादा बच्चों ने कॉम्बो बुक कंप्लीट ही नहीं की है और इतनी सारी मिस्टेक why there is so much of mistakes are there. Make sure you don't do any kind of mistake. आपको देख के ही लिखना है फिर भी इतनी सारी mistakes हो रही है, why? So please make sure you don't do that. Otherwise मैं आपको वापस से combo book बनाने बोलूँगी. In short time I'm going to share 2 combo with you all. And this time I'm not going to accept any mistakes. Spelling mistakes, incomplete work, sitting at home and not completing the work. Take care of yourself. Use sanitizer. Wash your hands frequently. Wear mask when you're going out. Okay? Please take care of yourself. And concentrate in your studies. Complete your all notes. Thank you. Good day.